चीन की सीमा पर पिछले दिनों विवाद का असर पूरे देश में दिखाई पड़ने लगा है। रीवा भी इससे अछूता नहीं है। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। भारत चीन सीमा पर विवाद में भारतीय सैनिकों की शहादत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। चीनी सामान का बहिष्कार की चर्चा चारों ओर हो रही है। रीवा भी इससे अछूता नहीं रहा। रीवा में शिव सैनिकों ने और युवा व्यापारियों ने पुतला फूंक कर ज्ञापन सौंपा। रीवा के सपूत दीपक सिंह की शहादत को लेकर शहर में काफी गुस्सा है। विभिन्न संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। चीन के राष्ट्रपति के पुतले चलाए जा रहे हैं। चाइनीज आइटम के बहिष्कार की बात की जा रही है। दीपक को याद किया जा रहा है। यह सब हो रहा है भारत चीन सीमा पर हुए विवाद के बाद। भारतीय सैनिकों की शहादत में शहर के मध्य शिल्पी प्लाजा में पहले पहुंच गए शिव सैनिक, बाद में युवा व्यापारी संघ के लोग भी पहुंचे और वहां चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हमारे जवान शहीदों के पे आक्रमण किया, निहत्थे जवान थे और उनसे मिलने गए थे, उनसे चर्चा करने गए थे, और जो छल कपट किया है वो तो चीन की नियति है, छल कपट करके भूम हथियाना। लेकिन निहत्थे हमारे जवानों ने भी उन 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया और उसके बाद ही शहादत ली, और ये शहादत उनकी बेकार नहीं जाएगी। मेरा ये मानना है कि हमारी सोच मुकाबला करने की नहीं है, हमारे देश की सोच चीन को निपटाने की है और हम उसी लाइन पे चलेंगे। मुकाबला शब्द कमज़ोर पड़ता है, हम इस बार उसको चीन को निपटाएंगे और उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे, तब उनको समझ में आएगी कि इस बार किससे पंगा लिया है। और निश्चित रूप से हमारे देश की इस मामले में गलवान घाटी में हम उनको अतिक्रमण कर नहीं देंगे और उनको अच्छी तरह से निपटाएंगे। और पूरा देश आज बहुत दुखी है, बहुत आक्रोशित है। आज हम लोग रीवा जिला में शिल्पी प्लाजा मार्केट में शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा चाइना का पुतला दहन किए हैं। इसके साथ में प्रतीकात्मक स्वरूप में हम लोगों ने चाइना सामान के कुछ पोस्टर्स भी लगाए थे। उसके साथ में आज के इस पुतला दहन का कार्यक्रम का हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि चाइना महल का बहिष्कार पूरी तरह से हो। जिस तरह से परसों हमारे भारतीय सैनिकों की निर्ममता पूर्वक धोखे से पीठ के पीछे बार किया गया और हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, आज उनके इस शहीद होने से पूरा देश आज दुखी है और स्तब्ध है। चीन द्वारा जो हमारे शहीदों को धोखे से मारा गया, उसके विरोध में आज हम लोग ये पुतला दहन कर रहे हैं, जिसमें हमारे रीवा जिले के मऊगंज के एक लाल थे दीपक सिंह गहरवार, वो भी शहीद हुए हैं। उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और चीन के विरोध में हम लोगों ने उसका पुतला दहन किया है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।